हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चल गई, हिंदुस्तान पर अपनी जान लुटाकर चल गई। गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूं, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूं। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। साथियों, आज यहाँ सबको पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, दो चार मिनट में ही, क्योंकि टाइम की बात इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत से आदमी ना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए थे यहाँ पर, और जो रियल में देशभक्ति है उनके अंदर वो इधर बैठे हुए हैं। मतलब सैनिकों के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है, ये कड़वी सच्चाई है। अगर टाइम होता तो 1948 नहीं होता, 62-65 नहीं होता, 71 नहीं होता, और 99 का तो मैं खुद साक्षीदार आपके सामने खड़ा हूँ, और उसके बाद युद्ध होगा नहीं जब तक हमारे शरीर के अंदर सांसें भी। तो भारतीय सेना के लिए आप लोगों के अंदर ना, मैं सबसे पहले तो इनका रईस भाई का धन्यवाद बोलता हूँ, कम से कम कोई तो है कि कम से कम इस बहाने याद तो करता है सैनिकों को, वरना सैनिक क्या है, सिर्फ टांचों के टुकड़े हैं। हम लोग अब्दुल हमीद जी के बारे में कितनी व्याख्यान सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, मगर जब वही इंसान या वही सैनिक जिंदा रहते हैं तो क्या समझते हैं आप लोग, बताइए मेरे को। आप कौन सी एक बंदा हाथ खड़ा करके बताओ कि दिल से सैनिकों की इज्जत करते हैं? अगर दिल से इज्जत करते, नहीं नहीं सर, मैं आपको अभी बोलता हूँ, भारत माता की जय बोलने से अंदर देशभक्ति पैदा नहीं होती है, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है, हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। मैं ऑन ग्राउंड की बातें बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं नमन करता हूं उस वीर को जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया, और आज आप जिसके लिए आप एकत्रित हुए यहां पर, मेजर पुनिया साहब, हमारे बॉस मधुचंद सुबे, रहीश राम जी, सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने सम्मिलित हुए, और आप सबका भी हृदय हृदयों से अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उन सूर्यवीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, हिसार हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ था, और राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र जो शिवाजी महाराज की जन्मभूमि थी, आज मेरी भी यहाँ पर कर्मभूमि है। मेरा गुरु तक सेना में कोई नहीं था, छह भाई बहनों में सबसे बड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ही शख्स के सामने नेताजी लगता है सुभाष चंद्र बोस, उनकी फोटो को देख करके मात्र 6 साल की उम्र में मेरे अंदर विचार आ था कि मैं भी वर्दी पहनूंगा, और यही विचार मैंने अपने दादाजी को बताए, और वही विचार आगे लेकर के मेरे दादाजी के कर कमलों द्वारा मैं भारतीय सेना में तोपचे के रूप में सेवा दे सकता हूँ। आप लोग हाथ हमें खड़ा करते थे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि देशभक्त सभी हैं, हम सीमा में भी देशभक्ति करते हैं, आप लोग भी देशभक्ति करते हैं, सेना के आगे जो सेना है ना वो आप लोग जो सामने बैठे हुए, क्यों? क्योंकि हम हंसते हंसते इसलिए शहीद हो जाते हैं कि हमारे परिवार को आप संभाल लोगे। वही शहादत जब एक सैनिक की होती है तो हम झंडे डंडे लेकर जैसे हमारे महानुभव खड़े हुए हैं ऐसे पहुंच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, नेता लोग यहाँ पर भाषणबाजी देने के लिए पहुंच जाते हैं, मगर जब रियलिटी में उस शहीद को जरूरत पड़ती है तो कौन सामने आता है, मेरे को बताइए आप। आज फिल्मी दुनिया के ये रईस जी हैं, भले इनका फिल्मी दुनिया में बड़ा पद ना हो, मगर जो ये काम कर रहे हैं ना राष्ट्र को समर्पित, ये सबसे बड़ा काम है। आज ये जब भी पुकारते मैं क्यों आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार तुमसे देखो आज मैं इंद्रांगना को कौन पूछता है, मेरे को बताइए। अरे ये जो सच्चाई में क्यों बता रहा हूँ, आज भी मैं टहने हो जाता हूँ कोई नहीं पूछता। जब हम सेना के अंदर रहते हैं ना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े चार्ज रहते हैं, इतने बड़े बड़े तोहफे रहते हैं, चार्टर प्लान रहता है, मगर वही जब सैनिक रिटायरमेंट होके आ जाते हैं ना तो एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं। हम लोग लिखते नहीं कि हीरो हीरोइनों की तरह कि भैया मैंने ये किया, नेता लोगों को बाहर नहीं देते हम लोग कि हमने ये किया वो किया, मगर अनदेखा हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हमारी एक चीज होती है, जब तक साला मरेगा नहीं तब तक महान नहीं पाएगा। शिवाजी महाराज को ले लीजिए, जिसको हम यहाँ बड़े बड़े जय जयकार बोलते हैं, उनका तिलक नहीं होने दिया था। महाराणा प्रताप को ले लीजिए, आज हमने झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी किसी को नहीं देखा, देखा किसी ने क्या, मगर जो साक्षात आज सैनिक है युद्ध भूमि में चले जाते हैं वो तो चले गए, मगर जो आज जिंदा है उनको तो पहचानो ना, साक्षात उनको तो अपने बच्चों को बताइए कि देखिए मरने के बाद हमारी बड़ी फोटो लगा दी जाएगी और चमेली के गेंदे के फूल चढ़ाए जाएंगे बड़े बड़े, मगर जिंदा है तो क्या वैल्यू है, तो जिंदा इंसान की वैल्यू करना सीखिए। वही सैनिक जब आपके पास छुट्टी काटने आते हैं उनको नमन करिए। बहुत सी बहनें हमारी बड़ी बड़ी राखियां भेजती हैं, क्या जरूरत है, जब आपके पास वो भाई आता है उसको तुम पूछते भी नहीं कभी भी, राष्ट्रभक्ति पर कहाँ चली जाती है आप लोगों को बताइए। नेता लोग बोली लगाते हैं हमारी डेथ होने के बाद में 60 लाख दे दें, नहीं नहीं वो तो दिल्ली सरकार दे रही थी,
फिर कितना दिया जाए। अभी मेरे को पिछली बार प्रणाम जी मिले, दीपचंद जी, हमने 1 करोड़ रुपया कर दिया है, मेरे को शर्म नहीं आती। मैं सबके लिए बोलता हूँ कि क्या मात्र 22 साल की उम्र में जो सैनिक शहीद हो जाता है, क्या 60 साल की उम्र तक कोई 1 करोड़ नहीं कमा सकता? वो हमारा मेहनताना दे रहे हैं, और वो मेहनताना किस तरह दे रहे हैं आप लोग सबके सामने है। आज भी हमारे जैसे बहुत से सैनिक ऐसे हैं जिनका किराया तक भी माफ नहीं है, और आप लोग भारत माता की जय बोलते रहे। सैनिकों के कहो आज उठाओगे, हम तो उठा नहीं सकते हैं क्योंकि वर्दी के अंदर बंधे हुए हैं। आप लोग कब जागोगे? खाली भारत माता की जय 15 अगस्त 26 जनवरी आज हम लोग चले जाएंगे, ट्विटर फेसबुक पर फोटो डाल देंगे, कल मरता मरे जाओ। कभी सोचिए कि क्या होगा उन सैनिकों का। सैनिक जब घायल होता है, सैनिक जाता है ना, अकेला नहीं जाता है, उसके साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। मेरी 6 फुट से ऊपर हाइट थी, और जब मुझे चोट लगी ना, मेरी वाइफ की मात्र 22 साल उम्र थी, 1.5 महीने का बच्चा था, और 3 महीने से वो फैमिली में थी। तो कैसा परिवार टूट जाता है, इस लड़की के बारे में सोचिए जिसने 22 साल की उम्र में अपने पति की कंडीशन देखी है। आजकल आप सोचिए 22 साल की उम्र में लड़कियां पढ़ाई करती हैं, वो दुख दर्द समझने के लिए आपको वर्दी पहननी पड़ेगी या उस परिवार के साथ रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारी सेना क्या काम करती है। आज आप चंद सेकंड में आ जाते हो, अरे यार एसी नहीं चल रहा है, हमें पूछो ना, दुर्गम इलाके में रहते हैं, हमारे लिए कोई एसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी राजस्थान में, कभी चौक के आसाम बंगाल में रहते हैं, कभी पहाड़ों में रहते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते हमारा दिल नहीं लगता, क्योंकि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। वैसे हम हो जाते हैं, भारतीय सेना ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भिन्न भिन्न जाति प्रांत व क्षेत्रवाद से आकर के अनेकताओं में एकता की मिसाल पैदा करती है, वो हमारी भारतीय सेना। हम कभी नहीं बोलते कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। आप लोग सब टुकड़ों में बट जाते हो, क्यों? हम इसीलिए की शादत दे रहे हैं कि भाई आप लोग टुकड़ों में बटे रहो। तो इसलिए मैं आप लोगों सभी को बोलता हूँ, क्यों जानकर भी अनजान बने बैठे हो, क्यों जानकर भी अनजान बने बैठे हो, एक हो जाओ मेरे देश के प्यारो, क्यों बेवजह से हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। आज सर ने बुक लिखी, मैं बहुत प्रोग्राम आता हूँ, मगर कई कई बार मैंने पिछली बार भी बोल दिया था ना कि कुछ करप्ट हैं सोशल मीडिया के, ये जो फिल्मी दुनिया के आदमी, बड़ी पीड़ा क्यों होती है। भैरव सिंह राठौड़ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी एक आखिरी इच्छा थी, सुनील शेट्टी ने उनका रोल किया था, आखिरी इच्छा थी कि जिंदर जी मिल ले, वो शख्स आज तक नहीं मिले। सुनील शेट्टी ने तो बॉर्डर फिल्म में रोल करके हीरो बन गए, मगर जिसका रोल किया था आज तक भी नहीं मिले। पिछली बार डायरेक्टरों ने मुझे बोला कि दीपचंद जी यार, हम लोग आपकी कहानियां बताते हैं, आप सब ऐसे मत बोलो, कहानियां बताते हैं ना, तो आप बताइए, आपको ही पता है कि कौन सी कहानियां क्या रहती है। हमारे पास रेट टैग नहीं होता है, आप लोगों के पास रेट टैग होता है। ये सोचना है आप लोगों ने कि कौन सी कहानियां सुनाई जाते हैं, यहाँ पर 10 बार पुरुष मारा जाता है, वहां पर कोई ये टाइम नहीं होता है। क्योंकि जब हमने कारगिल का युद्ध लड़ा था ना, नॉर्मल एक ड्रेस थी, आज भी मेरे पास वो ड्रेस रखी हुई, किसी को देखना जो दिखाऊंगा। रात को हम वहां पर युद्ध करते थे, दिन में हम लोग ऐसे छुप के रहते थे, कोई वहां पर बंकर नहीं था, कोई वहां पर वो शूटिंग नहीं चल रही थी पिक्चर की, भैया ये रीटेक चलेगा, भैया ये दोबारा करो रीटेक, नहीं, जो कुछ था ओनली स्पोर्ट था मतलब। तो ऐसे जो आज सर ने बोला कि फोटो लेके घूमते थे हम, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो क्या थी, हमारे दिल में था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मतलब। आज भी वो शब्द रोंगटे खड़े कर देते हैं साथियों, बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई ये उलाहना नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, मगर मातृभूमि और सैनिकों के लिए ना, हम विदेशों की बात करते हैं, वहाँ देखिए आप कैसे हैं, जो सैनिक गुजरता है तो खड़े हो जाते हैं जनता, और आज हमारे जैसी कंडीशन देख लीजिए। मैं ऑन ग्राउंड की बात बताता हूँ, मैं ट्रेन में कई बार सफर भी करता हूँ ना, तो नीचे की सीट नहीं होती। आप जैसे युवाओं को बोलता हूँ सर थोड़ा नीचे की सीट दोगे क्या, अरे नहीं नहीं सर मेरे तो कमर दर्द, जवानी के अंदर तुम्हारी कमर दर्द हो जाती है मतलब, कसम से बता रहा हूँ आपको। तो कौन सी देशभक्ति जाती है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आज सबसे ज्यादा जो हम लोग बोलते हैं कि लोहा मजबूत होता है, जैसे हम बोलते ना कि इंदिरा गांधी वो भाई आयरन लेडीज थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन था, सबसे ताकतवर हम लोग लोहे को मानते हैं, मगर लोहे से भी कोई चीज एक ताकतवर है, वो है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है, और उस आग से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है पानी, जो उस आग को भी ठंडा कर देता है, और उस पानी से भी अगर कोई ताकतवर चीज है, वो है मनुष्य, जो पानी को भी पी जाता है, और उस मनुष्य से भी कोई ताकतवर अगर कोई चीज है, वो है मौत, जो मनुष्य को भी खा जाती है, और उस मौत से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है हमारे जैसे जवान सैनिक, जो मौत को भी मजा देकर आपके सामने खड़े हैं। तो नमन करिए हमारे उस हिंदी सेना को, जो हमेशा तत्पर रहती है, ना कोई स्वार्थ रहता हमारे दिल के अंदर, क्योंकि ये वर्दी हमेशा इस राष्ट्र को समर्पित है। आज भले ही हमारी ये कंडीशन हो, मगर आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। आप सबसे यही दुआ है,
कि आप भी एकजुट होकर के उन सेनानियों को नमन करिए। मत इंतजार करो कि जब शहादत होगी तभी हम लोग फोटो खिंचवाएंगे और फेसबुक ट्विटर पर डालेंगे। अपनी सोई आत्मा को जगाओ और इस राष्ट्र के लिए कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस राष्ट्र को अगर बचाना है तो अपने सोई आत्मा को जगाना है, वरना जो ऊपर कुर्सियों बैठे हो ना उनकी तो खुद की बोली लगी हुई है। आज एक नेता या तो वो काम करता किसके लिए, 5 साल तक काम करता है अपने वोट बैंक के लिए कि मैं किस तरह 5 साल तक अपना वोट बैंक बचाऊं। दुको दो मिनट लगे आज, कोई बात नहीं। नहीं, ये हकीकत है, हमें कोई किसी की लाश सिखानी है। मेरे पास बहुत नेता लोग मिलते हैं और आप लोगों के पास भी बहुत आते हैं, मगर मैं बोलता हूँ सर क्या आप ही बताइए, आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस कंडीशन में क्या हमारा किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर कौन आवाज उठाएगा? कल हेडलाइनिंग के अंदर होनी चाहिए। ये देखिए हमारे जवाब सैनिकों के लिए तुम लोग क्या करते हो, जब आपके पास वो नेता आते हैं ना 5 साल में तो हम उनको हिसाब मांगते हैं, वो सिर्फ अपना बचाव के लिए लड़ते कि मैं 5 साल तक मैं अपनी कुर्सी कैसे बचाऊं। देश के लिए लड़ने होता तो उनके बच्चे क्यों नहीं सेना में आते, बताइए आप? आज हमारे बच्चे सारे इस कंडीशन में भी बच्चे बोलते हैं पापा हम सेना में जाएंगे, क्यों? क्या सैनिकों ने ठेका ले रखा पूरे देश का? और ऐसे प्रोग्राम जो करवा रहे हैं आप ही बताइए, यहीं पर अगर कोई, जैसे सर ने भी बोला था कि यहीं पर कोई हीरो हीरोइन होती है तो कितना आप लोग वो करते हैं, ये था वो था फोटो सेल्फी, राष्ट्र के लिए क्या योगदान होता? अरे पहली गोली तो हम खाते हैं ना, और फिर कहाँ है रिबन काटने के लिए हम लोग कहाँ है सर? तो ये आप लोगों ने अपने आपसे जवान सवाल पूछना चाहिए, अपनी युवा पीढ़ी को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा किसको आइकॉन बनाने का। हम ये नहीं बोल रहे कि इनका कोई योगदान नहीं, योगदान है ठीक है भाई, फिल्मी दुनिया में है, नेताओं का भी योगदान है, मगर जो सर्वप्रथम जिसका योगदान है, आज हम लोग बोलते हैं यार ये पिलर मीडिया चौथा पिलर, कोई पिलर नहीं है, एक ही पिलर है वो है भारतीय सेना। जिस दिन ये पिलर हट गया ना तो समझो सब पिलर बर्बाद हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है हम अपनी आत्मा को जगाएं, तभी एक आनंद आएगा मतलब, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, दुखी नहीं रहना है, मैं वही बोलता हूँ। नहीं नहीं बोलता हूँ कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बची जिंदगी में हौसले काफी है, और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान भी बाकी है, हौसलों में उड़ान भी बाकी है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। आज हमारे पास में जो चीज रहती है उसको हम देखते नहीं है, जो चीज नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं और वो जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज मुझे देख लीजिए मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि भगवान को मैं यही दुआ करता हूँ, भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, एक हाथ ही सही, एक हाथ से हम ताड़ी बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को किसी को समर्पित कर दिया गया है। तो आप भी किसी को इतना समर्पित करो, जब भी आप जाओगे ना तो आपकी अंतरात्मा, दिखावे के लिए मत सोचिए, आपकी अंतरात्मा के अंदर ये होना चाहिए कि इस मातृभूमि, इस कर्मभूमि, इस जन्मभूमि के अंदर मैंने जन्म लिया है तो मैं कुछ कुछ करके चला जाऊंगा। पैसे सौरभ गाड़ी घोड़ा तो हर आदमी करता रहता था ना, कोठे वाली भी तो बहुत पैसे कमाती है ना, बंगले हैं उनके पास में, मगर राष्ट्र को क्या समर्पित है? आज बहुत से आदमी मेरे को बोलते हैं दीपचंद जी हम तो टैक्स देते हैं। अरे यहाँ टैक्स लिया जाता है जबरदस्ती, उसको भी हम बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं लिया जाता कि नहीं लेता? तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, सर को भी टाइम नहीं है, मगर सर आपने बुक लिखा है, अच्छी बातें हैं, सैनिकों की कहानी आप आगे बढ़ाइए, मगर मेरा तो एक ही है ऑन ग्राउंड आपके होना चाहिए, मरने के बाद हमारे भी स्मारक बना देंगे और फूल चढ़ाएंगे, कोई फायदा नहीं है, जिंदगी जो कुछ करना है जिंदगी करो आप लोग, और सोचो कि हमारे सैनिक किस तरह रहते हैं। और आज हम यहाँ पार्टी मनाते हैं, नई साल मनाते हैं, आप कोई प्रोग्राम करते हो, किसी सैनिक को भी एक समोसा खिला देगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? उल्टा आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा कि देखिए हमने एक नई पहल शुरू की है, हम जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, शादी होती तो एक सैनिक को बुलाओ ना, क्या हो जाएगा, एक साल से उसको दे दोगे तो आप सोच बदलिए, देश अपने आप बदले हो जाएगा मतलब। तो ये आप लोगों के ऊपर है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और इस राष्ट्र के दिलवाने बोलता हूँ कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे विनंदनीय भारत, भारत माता की जय।